कब्ज की समस्या किसी को भी हो सकती है। खराब जीवन शैली और काम के बढ़ते बोझ की वजह से आजकल लोगों को कब्ज की समस्या होना आम बात है। किसी को भी कब्ज की समस्या हो सकती है। कमजोर पाचन तंत्र कब्ज गैस बनना हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर इलाज करने के साथ ही आप इन घरेलू नुस्खों को भी आजमा सकते हैं। कब्ज होने के कारण गलत खान पान, ठीक समय पर शौच ना जाना, व्यायाम ना करना और शारीरिक काम न होना शामिल है। इसके लिए शक्कर गुड़ पेट साफ रखते हैं, इसलिए खाने के बाद इसका सेवन करें। साथ ही दिन में कम से कम 9 कप पानी का सेवन आपको कब्ज की समस्या से बचा सकता है। इसकी समस्या को खत्म करना है तो सब्जियों में पत्ती समेत मूली, काली तुरई, घिया, बैंगन, गाजर, परवल, पपीता, टमाटर आदि खाएं। और अगर दवा की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा खाने का सोडा पानी में घोलकर पी जाए तो पेट हल्का रहेगा और शौच भी। नींबू का रस पाचन तंत्र को ठीक करता है, इससे शरीर में मौजूद विषाक्त कण निकल जाते हैं। ताज़ा नींबू का पानी सुबह पीने से कब्ज नहीं होता, चाहे तो लेमन टी भी पी सकते हैं। कॉफ़ी पीने से आप बिना देर किए बाथरूम तक पहुँच जाएंगे। दरअसल कॉफ़ी से प्रेशर जल्दी बनता है। आलू बुखारा खाने से आपके पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। रोज़ाना 3 ग्राम आलू बुखारा खाने से कब्ज को आसानी से दूर किया जा सकता है। दरअसल आलू बुखारा में भारी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जिससे कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। कब्ज, एसिडिटी, पेट के मरोड़ और गैस के जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक चूर्ण बताते हैं। इस चूर्ण में लगने वाली सामग्री है जीरा, अजवाइन, काला नमक, मेथी, सौंफ और हींग। सबसे पहले जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ को अलग अलग धीमी आंच पर भून लें। भूनने के बाद इन्हें अलग बारीक पीस लें। इसके बाद एक बर्तन में काला नमक और आधा चम्मच हींग लें। अब इसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन का पाउडर डाल लें। इन तीनों से कम मात्रा में मेथी पाउडर डालें। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रखना है कि जीरा, अजवाइन और सौंफ की मात्रा समान होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद किसी डब्बे में रख लें और इसका उपयोग करें। ये चूर्ण आपको कब्ज, एसिडिटी और पेट की मरोड़ और गैस की जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।